और भाई अब्बास जो है ना बगैर दोबारा फोन किए ही पहुंच गए ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए अंदर आ जाए। लोकेशन भेजी थी तो उस पे जो है ना हम पहुंच आए हैं भाई के घर, तो भाई साहब जो है ना वो भी हमारे सामने खड़े हैं। एक यूट्यूबर फैमिली अंदर मेरे को बैठी है जी, और एक यूट्यूबर ए भी आ गया मेरे को। बाकी जी भाई उन्हों का टू स्टेप वेरीफिकेशन का मसला आया सी जी, वो कर दिता वा, और टू स्टेप वेरीफिकेशन जी है ना ओके हो गई। और साढ़े वास्ते कोई असं हम थोड़े को आइए ना तो सानू दो बोटियां वध पा दिया जी। शुक्रिया। फाइनली बेगम साहबा जी आ गई हुई है, रिसीव करने हैं इधर। हूँ मंजूर की बेटी ब्याई है ना, उन्होंने हमसाए ने ते ओ कहंदी सी कि मेरे उन्हों मतलब सैयद आले दी है ते मैं मिल के जाना। मैं कह जी मिल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार दी रहमतां बरकतां और निमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज करने हैं जी। जो है संडे इतवार दा दिन है जी, और बेगम कल दी गई हुई है पेकियां ते, और सानू आप नू ही नाश्ता वगैरह पकाना पै रहा है। की खाना जे? इन्हें तो घंटा ला देना दसन ते। फिलहाल जी असी बना रहे हैं पराठे और दही, असी राती जमाई सी दही और पराठे खा लांगे, सुकून नाल सारा दिन जरा जी गुजारांगे। शाम नू आ जाएगी बेगम और बेगम फिर आपे पका खा लेगी। ओके हो गया ना? नाश्ता करदे हैं, कुछ दिन आपां नू 11 बज जाने, 11 बजे खावांगे तो शाम तक ईजी है ना, नो टेंशन है। तो फिर शाम नू जदों तेरी अम्मी आएगी तो पका लेगी। ओके हो गया, चलिए फिर थले पका भी है। आ जाओ। बिलाल की ड्यूटी लाई सुबह सुबह, जो राती बर्तन इस्तेमाल होए ना वो धो दे, और सब तो पहले परात धो दे यार, उन्हें चाटा गुल हूने हूने सौ के असी उठे हैं जी। बिस्तरे साढ़े जड़े ना हाले उस तरह पे ने, ये भी जड़े ना कुजाने ऐजा थले आना बेटा, बिस्तरे समेट, ये वाले सारे बिस्तरे भी समेट दो ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा ना झाड़ू भी लगा दो, ये काम आपका है ठीक है। बिलाल बर्तन धो रहा है और मैं नाश्ता बना लेता हूँ। नहीं आलू वाले नान नहीं बनाएंगे हम, अभी हमारे पास दही है ना तो हम रोटियां बनाते हैं ना, तो उसके साथ खा लेंगे, तो सालन हमें नहीं बनाना पड़ेगा। शाम को अगर तुम्हारी मम्मी आ गई तो फिर वो खाना बना लेगी, अगर ना आई तो शाम को फिर हम कुछ और बना लेंगे। ओके हो गया। आटा नू सब तो पहले जड़ा ने जी गुन लें, और उधर ऐजा लगी हुई बिस्तरे, बेटे एक एक करके चुक और सही तरीके नाल इन्हां नू लपेट, तां सही जाणगे चुके। सारा बिस्तरा एक बार नहीं चुकया जाना ना, एक एक करके लैके जा अंदर। हाँ जी अलहमदुल्ला फाइनली साडा आटा जड़ा है ना जी वो हो गया, इन्हू रख दें जी थोड़ी देर वास्ते क्योंकि ये सैट हो जाएगा। अलहमदुल्ला जी रोटियां भी असी पका लिया ने, और आखिरी आखिरी रोटी ऐजा जी है ना अपनी पकाती पी है, आप ही इन्हें बनाई आ और आप ही ये पका रही है। चूल्हा बंद कर देवा, तवा गर्म है पक जाएगी। चलो अलहमदुल्ला नाश्ता साडा जड़ा ने जी लग चुका होया। बिलाल पानी ले आया यार, और अगर खाने तो सौ बिस्मिल्लाह मिल के खाने हैं जी, नहीं तो फिर खा के मिलने हैं। किस तरह की साड़ी विदाउट बेगम रूटीन लगती है ये भी जरूर शेयर किया करो। थोड़ा जो प्यार होता ना जी वो लाइक शेयर और कमेंट सैक्शन में आके इजहार लिखना जरा ना यही होता है, तो जरूर जरा ना वीडियो में लाइक जरूर किया करो, और उस तो अगे कमेंट सैक्शन में आके कमेंट भी लाजमी प्यारे 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 मिठे मिठे जे कमेंट जरा ना वो भी किए करो। और खाने जी रोटियां पराठे और नाल दही चीनी पा के आ जाए। अलहमदुलिल्लाह जी नाश्ता नुश्ता कर लिया वा, लेकिन एक ना यूट्यूबर फैमिली आती पी है, आना तो सी उन्हें मेरे को सुबह सुबह ही, लेकिन हूँ फोन आया तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया। मैं हूँ लैके जा रहा सी बच्चों बाहर, मैं कि बाहर जाके ना थोड़ा बहुत कम करने है जी, असी सब्जी वगैरह जी है ना वो सैट करनी है। सैट तो मुराद ये कि असी उन्होंने जरा पटना वा पट के जगह बनानी है नवी सब्जी लाने वास्ते, और वो भी लेट होती पी है, तो मेरे इरादा सी कि मैं हूँ उधर निकलना वा, लेकिन हूँ फोन आ गया उन्होंने, तो हूँ उन्होंने वेट करने हैं, वो रस्ते च हैं, तो तकरीबन अद्धे तो पौने घंटे जरा ना वो पहुँच जाएंगे साढ़े को इंशाला, तो उस तो बाद फिर घंटा डेढ़ उन्हें को बवेंगे। फिर मैंने एक काम उकाड़े का भी है अबू वास्ते, ड्रॉप लैके आने ने अखा दे, और उन्होंने क्योंकि जहरी गल हूँ ज़्यादा नज़र लानी है अगे, क्योंकि वो रमज़ान शरीफ के तकरीबन 3-4 दफ़ा कुरान शरीफ जरा जी वो मुकम्मल करते हैं पढ़ते हैं,
ते अगे पिछे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगे पिछे फिर थोड़ा जहा थोड़ी रूटीन होंगी है, लेकिन रमज़ान शरीफ ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह तो ना वह कह रहे सन कि मेरिया अखा जी दर्द करा लग पैदा ने, तो मैं ड्रॉप जड़े ना वो लिया के दे, तो उन्होंने मैं सेंड किए थे, तो मैं जाना सी काढ़े लैन वास्ते, लेकिन हूँ मेहमाना का फोन आ गया। मेहमाना पहले अटेंड करने हैं, उन्होंने पहले गपशप करा, उन्होंने चैनल के बारे कुछ थोड़ा बहुत जरा ना मसले मसायल हैं वो इंशाल्लाह उन्होंने डिस्कस करा, और उस तो बाद फिर अगर बाहर सब्जी वाला काम हो सकया तो फिर वो करा, नहीं तो फिर उकाड़े वाला काम जरा ना वो लाजमी करा। बाकी बच्चे जड़े ना जी नाश्ता नुश्ता करके टीवी पर बैठे हुए हैं, फैजा की याद आ रही है, है? काफ़ी ज़्यादा वो आ जाएगी शाम को। चलो जी मेहमाना का करने हैं इंतजार, अद्धा पौना घंटा है जी मेहमाना की पहुँच इचू, तो मैं उन्नी देर ना बाहर जाके शेप शुप करा लवा, शेप काफ़ी वधी हुई है तो बिल्कुल ही बाबा जहा बनया खिलावा, तो मैं चलो चल के ना शेप शुप करा। वैसे तो मैं हर टाइम मम्मी डैडी बनने का ना शौक नहीं है कि हर टाइम ही जरा पप्पू बन के बंदा रहे, लेकिन अगर कोई आ जा रहा हो कितने बंदा जा रहा हो कोई थोड़े घर आ रहा हो ना, तो फिर जरा थोड़ा जहा मूँह मत्था जरा ना वो ठीक होना चाहिए, बंदा इंज भी बिल्कुल ना उलझा उलझा ना नजर आवे, थोड़ा जहा मूँह मत्था सैट होना चाहिए। पानी जरा ना जी लाने लगन अलावा बिलाल में आवाज़ दी, मैं कहूँ जरा ना पानी ला देिए ताकि जरा ना पानी की कमी ना हो। माशाल्लाह गुलाब इतने भी बड़ा जबरदस्त होता पे, ये वाला गुलाब तो होता पे है, लेकिन यह वाला गुलाब जरा ना जी थोड़ा जहा मुश्किल है क्योंकि यदि टहनी जी है ना इतों कमजोर हो गई है, वेखो हूँ होंदा तो पिया वा वेखो ना चलता पे, लेकिन इतों कमजोर है, इनू किसी चीज़ ना इस तरह सहारा देने ताकि खड़ा हो जाए, जो थोड़ा जहा मजबूत हो जाएगा ना फिर ये अपना वजन आप चुक लेगा। और इस तरह यह भी चलता पिया वा, लेकिन ना इतू उतू खराब हो गया, पता नहीं पानी चलाता पिछों पानी आंदा क्यों नहीं पे। चल ये सारे पौद्या ना भर दे ठीक है, एक बारी अपने आप नू बचा के कपड़े अपने ना सारे गंदे कर लवे, पहले उत्ते वाले नू ला लाना पानी फिर थले आवे। मेहमाना वास्ते चार पहियां जिहड़ियां ना जी सैट कर दित्तियां ने, और ऐले पवांदे असीं इहनू कहिंदे आ, इह वी कढ लैणे बाहर वी ताकि दिने जिहड़ा ना बिस्तरे ते हुंदे नहीं, और अगर कोई मेहमान आ जावे जां वैसे भी अगर थोड़ी देर लेट ना होवे ते दामन जिहड़ी ना पैरां नू ना लगे, इस तरह करके ना फिर साडे बणे हुंदे ने अद्धे अद्धे, मतलब अद्धी रजाई तुलाई जां इहनू तुसीं किद्दां कह सकदे हो, इह वाले जिहड़े ना जी रख दित्ते ने, और अद्धे सराहणे वगैरा रख दित्ते ने। ओह की रखे होया जे सराना रखो यार, ए जी साडा जिहड़ा गिफ्ट तकिया आया सी ना बकरी दी शक्ल च बनया होया तकिया ओ वाला जी। अलहमदुलिल्लाह जी मेहमान जिहड़े ने जी साडे पहुंच गए ने, मैं लोकेशन सेंड कर दी सी भाई अब्बास नूं, और भाई अब्बास जिहड़े ने बगैर दोबारा फोन कीते ही पहुंच गए ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए अंदर आ जाए जी। अलहमदुल्ला, अच्छा बस भी कोई आने की दिक्कत नहीं हुई, रस्ता तो वैसे खराब है, वो तो तोड़ तक खराब है, लेकिन वैसे कोई परेशानी कोई दिक्कत? हाँ मैं लोकेशन इतने घरू सेंड की सी, मैं उस टाइम बाहर से जो थोड़ी मेरी गल हुई, तो मैं क्या मैं घर जाके लोकेशन सेंड कराँगा ताकि वो सीधी डायरेक्ट जी घर लैके आए। हाँ चलो अब बैठ से मेहमान जड़े ना जी बैठे ने, झट गपशप भी की है, थोनों पता है कि बेगम साहब वगैरह है को नहीं, तो फिर सारा किचन का भी आप करना है, तो बाकी उन्हों की खिदमतदारी जी करनी वो भी आप करनी पैनी है। बिलाल नू मैं लाया होया चाह बनाने, बिलाल बनांदा पिया जी चाय, और इन अच्छी तरह पका लेना ठीक है, और उस तो बाद जड़े ना अंदरू दूसरी एक ट्रे छोटी लैके आंदे, और कप जड़े ना वो ये रख दे चाल है ठीक है, और आ बिस्किट जी ना वो गोल प्लेट अंदरू चुक के लिया उनके पा दे। चाय जी ना जी सा तैयार बस हो ही खलोती है, बाकी भाई अब्बास जड़े ना ये राजगीरी का काम भी करते हैं, राजगीरी अगर थोड़ा नहीं समझ आती तो मतलब है ठेकेदारी, या इनू होर आप कह सकते मिस्त्री कह सकने ना सीधे सीधा, हाँ मिस्त्री वाला काम भी जरा ना जी करते हैं। मेरा पिछला प्लाट भी इन्होंने विखावे, और इस प्लाट च भी अगर कितों मुमकिना तौर पर रद्दो बदल अगर हो सकती हुई तो वह भी इन्होंने को मशवरा लवेंगे भी इन्हें कोई अगर थोड़ी बहुत साढ़े नक्शे के अगर कोई खराबी हुई या मिसाल के तौर पर कोई किसी किस्म का फॉल्ट है ना, और वो हुण हल हो सकता है, एक तो चीज़ ऐसी होंगी ना कि जी हल हो ही नहीं सकती,
तो एक बार बन गई हम उन्होंने उठावोगे तो बहुत सारा नुकसान करना पेगा। अगर कोई आसानी नाल तब्दीली होंगी हुई ना तो वह भी उन्होंने को मशवरा लवेंगे। और उस तो बाद फिर इन्हों का एक चैनल है जी, उस चैनल के मामले च ये मेरे को आए भी हैं, काफ़ी अरसे तो कम करते पे ने और काफ़ी मेहनत भी करते पे ने, तो वह कह रहे सन कि साडा चैनल जरा है ना वो ग्रो नहीं करता पाया, तो तुम जरा ना चैक करके तो फिर सानू दस्या जाता। मैं चलो वो भी वेख लें। कल इन्होंने मैंने फोन किया तो मैं क्या भी तुम मेरे को आ जाओ ताकि आराम सुकून नाल तसली नाल मोबाइल जरा ना वो वेखांगे तो फिर पता लगेगा। इस तरह मैं अगर यूट्यूब पर चैनल वेखांगा ना तो मैं उसकी सही समझ नहीं आएगी। मोबाइल पर भी असं लगे हुए हैं जी, कुछ छेड़खानी जी है ना शुरू की हुई है और नाल चाय भी बन गई हुई है, मिठाई और बिस्कुट नाल जड़े ना जी वो भी मेहमानों को दे रहे हैं। और उससे पहले पानी पिलाया एक यूट्यूबर फैमिली अंदर मेरे को बैठी है जी, और एक यूट्यूबर ए भी आ गया मेरे को। सर ए जनाब सारी दिहाड़ी गोश्त बनांदा है तो बोटी नहीं किसी एक भी वध देंदा है। अच्छा हाँ दसो की हुण करना है आपां। मुश्किल बाकी जी भाई उन्हों का टू स्टैप वेरीफिकेशन का मसला आया जी वो कर दिता वा, और टू स्टैप वेरीफिकेशन जी है ना ओके हो गई। और साढ़े वास्ते कोई असं हम थोड़े को आइए ना तो सू दो बोटियां वाद पा दिया जी, असं ये नहीं कहते कि सू दे ठीक है। खुश रहो यार बाद है कोई इन्नी देर का काम से मैं चलो जिस टाइम भी मौका मिले ना कर लाँगे औखा, एडा मसला कोई नहीं है ठीक हो गया। और कुछ साढ़े लैक कुछ चाय पानी रोटी शोटी कुछ भी कर। बहुत शुक्रिया जनाब मेहरबानी बहुत शुक्रिया। अलहमदुल्ला जी काफ़ी देर बैठे रहे हैं जी और जिनी कि मेरे नॉलेज है सी ना वो मैं बाजी उन्होंने भी समझा दिता है और बाई उरी जी कैमरामैन ही कर रहे होंगे ने इन्होंने भी समझा दिता है कि तुम इस तरह करके ना ब्लॉग और इस तरह करके एडिटिंग वगैरह करनी है। जिनी कि मेरी नॉलेज है सी मैं नहीं कहता कि मैं कोई यूट्यूब का मास्टर हाँ, मास्टर तो ये बड़ा व्डा समंदर है ये तो ना हौला है नहीं काफ़ी गहरी चीज़ है, लेकिन जिन्ना कि मैंने ऐसी वह मैं उन्होंने दस दिता। अब्बास भी अगर कोई कमी बेशी हो व्हाट्सएप नंबर थोड़ा है मेरे को मेरे को व्हाट्सएप से मेरे नाल एनी टाइम कोई भी गल कर सकते हो ठीक है। अगर एक टाइम मैं ना भी रिप्लाई करा तो थोड़े टाइम तो बाद मैं रिप्लाई कर दिता करा ठीक हो गया जी। इजाजत चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने सफर करना है और रस्ता बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि मेरा तो रस्ता है ना मैंने तो उनका पता वा कि सैयद आले जाना हो तो कि रस्ता ज़्यादा खराब है और कि दिक्कत होंगी है मोटरसाइकिल से तो मौसम भी खराब है बाहर तुम चेक करो धुप शुप कोई नहीं निकली हुई तो सफर फिर मोटरसाइकिल से जरा डेंजरस हो जाता है। आखिरी सीन जड़े ना जी चलते पेने यूट्यूबर फैमिली आई हो ना तो फिर वो सारा कुछ एक उन्होंने कैप्चर करना होंगे घर का बार लॉन शॉन और बाजूरी जरा वीडियो बनाते पेने भाई उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया और मैं भी मोटरसाइकिल से बहन लगा वा और इन्हों ही मेरा भी सफर है क्योंकि मैं बेगम अगू करना है जी रिसीव वो आ रही है तकरीबन मैंने 3-4 किलोमीटर जरा ना अगे जाना पै गया क्योंकि इतों जी बस आती है ना वो उतू चलती है 11 बजे लेकिन वो उतू लेट निकले ने तो इस वजह तो फिर वो दूसरे रस्ते तो आ रहे हैं तो उन्होंने फिर अगू जाके ना पिक करना पैना। अड्डा सतगारा से असं पहुँच गए हैं जी और इधरों बेगम साहब ने आना सैयद आले चो उन्होंने आना और इन्ह भाई उन्होंने सैयद आले जाना वा इंज ही है ना, लेकिन इन्हों का टाइम डिफरेंट आ हो सकता शायद अगर एको टाइम होता तो इन्हों के नाल वापस आ जाती लेकिन इन्हों का टाइम अलग से ये पहले टाइम आया उन्हें बाद जाना सी। ए तू सीधा जनाब थानू सैयद आला ठीक है सिस्टर हाँ बाकी काम करो अल्लाह के हुक्म नाल कन्फ्यूज नहीं होना व्यूज ना आवे तो मतलब मायूस नहीं होना यह होंदा रहिंदा बाजुकात कोई ना कोई यूट्यूब ते बग आया होंदा है व्यूज नहीं आ रहा होंदा बाजुकात कोई ट्रेंड है होर चलता पे होंदा है जिदे ते लोग ज़्यादा वेख रहे होंदे ने जिवें कि हुण पिछे सियासी थोड़ी जी हलचल ज़्यादा सी ते उह ज़्यादा व्यूअरशिप उधर जा रही होंदी ते इह चक्कर होंदे ने इस वजह तों तुसीं अपनी मेहनत नहीं छड़नी बेस्ट देना है अगली तू पिछली वीडियो अच्छी बनानी है अल्लाह खैर करेगा। बाकी अपने देश का बंदा जड़ा ना जी बड़ा प्यारा लगता है सिस्टर जी जा रही है ना ए आली और मेरी बेगम जी ना ये तकरीबन इको इलाके ही है वो कहती है कि मैं उन्होंने मिल के जाना तो हूँ आई भी हाँ इन्नी देर रुकी भी हाँ तो हूँ सिर्फ 5-7 मिनट का गैप आ वो आँदी भी है तो असं जाते पे तो चलो 5-7 मिनट रुक के ना उन मुलाकात हो जाए तो उन्होंने मिल के ना तो फिर जाइए।
वेट करो फिर बच्चों नूं उतार के बैठ जाओ या मोटरसाइकिल ते बैठे रहो। वो तकरीबन ना मैं फोन किया तो 5 to 6 मिनट के बीच जड़ा ना इतने उन्होंने पहुंच जाना है तो फिर इन्हों की मुलाकात करवावे और उसके बाद फिर जाना। फाइनली बेगम साहबा जी आ गई हुई है रिसीव करने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? पापे का भू आ गया। ओए ये देखो ये मेहमान आपका वेट कर रहे हैं, मिलने हैं आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, जान लग गया सी तो फिर भी ऐसे क्या कैसी बाजी नहीं मिली जाएगी। और बाजी सब ठीक ठाक है? हाँ जी, तुसी अपने सफर का पहले सुनाओ। सफर आज बड़ा मुश्किल हो गया, जेडे बस का सफर है ना वो आसान है, वो सीट खुली है, सीट खुली है, सारा राह नहीं लाउन चलानी इन्हें तो बड़ा तंग किया। अच्छा ओए कोच जज फिर आज मैं गाय तो बाद दे नहीं तो तू टाइम नाल 11 बजे निकलती हूं। टाइम सोच में सी कार मोटरसाइकिल चले जाना, जे बच्चे हमने ना तो मोटरसाइकिल चले जाना और वापसी आ जाने। हम्म, चलो बड़ी मुश्किल है। आओ तुम रहो, आपका भाई बड़ा इंतजार कर रहा है। इन्हें सयाने ही ये सैयद वाले दे ने नंबर 1 और दूसरे नंबर ते जिधर जी बेटा हाँ जिधर हूँ मंजूर की बेटी ब्याई है ना उन्होंने हमसाए ने ते ओ कहंदी सी कि मेरे हूँ मतलब सैयद वाले दी है ते मैं मिल के जाना। मैं कहा जी मिल लो और असि अपना इधर हो जाने। हां वो माऊ बिल्ले बने हुए ना, अम्मा तो कर लो, अम्मा नहीं करना, मां नहीं निकल रहा, अम्मा नहीं करना, पारी नहीं करनी, पारी भी नहीं करनी, पारी 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 करो, पारा करो, पारा करो, पप्पू करो, पप्पू करो, पप्पू करो, पप्पू करो, पप्पू करो, ऐसे। बेगम साहबा नु जी रिसीव कर लिया और मेहमान जड़े अन्ना जी वो जा चुके ने। मेहमान अगे मैं दसदा पाया कि मेहमान जिथू आए ने उथू बेगम साहबा आई है, वो उधर जा रहे ने ते उधर आंदी थी। चलने आ घर और आया वेख किड्डा वड्डा कुत्ता। हां लड़ाई वाला है, लड़ाई वाला है, लड़ाई वाला है ना जरा लड़ाते हैं ना आम मेलिया से, और मेलिया से ज्यादातर होंगे इस तरह का ना कुत्तिया वाली लड़ाई का फंक्शन वगैरह होंगे तो उत्थे लड़ाते सी। अगे तो बहुत ज्यादा होंगे सी, हुण घट लड़ाते ने और कुत्ते भी हुण इस तरह के घट ही मिलते हैं लड़ाई वाले। ये साड़ी जबान च पंजाबी जबान च कहते ने बूली कुत्ता, ये बूली कुत्ता वा। वेखे ना इंदी तबीयत नहीं ठीक है ना, रात दवाइयां भी लेंदी पी, सिरप लेंदी पी, सारा कुछ करती। वेखना मुंह किड्डा निक्का जा निकला खड़ा, तो उंदी भी खिची पी सारी। बिलाल दी भी तबीयत नहीं ठीक है, बिलाल महसूस नहीं करवांदा लेकिन इंदी अखां वेख के लाल सुरख होई होई ने। मौसम ही बड़ा अजीबो गरीब जिहा होया आ। मिलन दे बिलाल, एक वारी मिलन दे उहनूं बाद च लै लवे। साडी मियां इह गुड्डी है ते फिर इहदे तों बगैर असीं जिहड़ा ना उधर जांदे आ। सारे वेख बज गए लै के। हां जी हुण दसो जी की उत्थों दे सारे प्रोग्रेस ते सारी रिपोर्ट, जिहड़ा काम करन गया सी हो गया? हां जी काम अल्लाह कीता हो गया सारा हो गया। हां चलो हर चीज चुका के ने घर पुछा के मैं कर मिल ही जाए देओ। हालांकि भाई भी बाजी सारे ने भाई नहीं जाने। हां और ले वड्डी आपू तुने पता है वो भी मैं करी आज बचाना अगर सुबह तो रोजा बांध जाए तो फिर बच्चे ने ओके से ये सब क्या ही होती रोजे रखावन दी मैं रोजे से बच्चे ने छड़ने देना। असल मसला पता की मसला और को नहीं सी, मसला सिर्फ एक मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक है, इस वजह तू भी ना ज्यादा फिर वर्जन मैं अपने आप दे नहीं सी पा रहा, वरना नो टेंशन है कोई मसला नहीं। अगर 5-7 दिन भी रह के आ जावे तो मैं कोई टेंशन नहीं, तुम्हें पता है कि किचन का काम मैं कर लेना वा सारा, रोटी पानी उरा भरा सारा उन्होंने दिने, इन्होंने पराठे बना के दिते, इन्होंने खाधे है। दही राती जमाई सी सुबह, फिर असी दही नाल ही खा लिया, सालन असी कल दा बनाया ही कोई नहीं, राती इन्हें आख्या पकौड़े असी पकौड़े ना रोटी खा ली, तो हुण जिहड़ा है इन्होंने सुबह दही नाल रोटी खा ली है, ते बस हुण तू आ गई है तुहानूं सालन बना लवो। फैजू हां जी ये टीवी लगाओ भाई, कार्टून ला के दियो बेटे नूं ना भाई। चलो जी थोड़े को लैने जी इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह। अच्छी जी प्यारी जी कोई गल करनी? नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे नाल कर पानी पिला पुत्र मां नूं।
और इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह एक अच्छी जी प्यारी जी यूनिक जी और मीठी जी वीडियो जी। दोबारा सफदर हुसैन और उनकी पूरी फैमिली ने दो इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ याद रखना है, वीडियो लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। बंडा बन बन प्यार सिर पीट चढ़ी खाली फायदा ना बजावी हूं ओए ते कि ले आई पैसों के साथ लेते हैं बंदा चीज है, पैसों से लेता है बंदा चीज है, तेनू सही है बंदा पैसा नाल लैंदा है। पैसे दिते इंदे दिते कर पैसे हां जी पैसे नहीं है ना मेरे को ले कर पैसे पैसे नाल चीज ले कर तू नहीं जो से होते हो। अच्छा मैं नहीं आ नहीं, मैं पैसे नहीं दिते आना। अच्छा चलो आप भाई ने जी पैसे आप क्या है ना तो ना कहीं बेटा ऐसा कर ले जाए। अच्छा